हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एक प्लानिंग ऐसी मैं आपको देने जा रहा हूँ जो अराउंड आपके पास अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं सर, अराउंड 20 डेज भी अगर आपके पास हैं, तो सर अभी भी मैं ये कहूँगा कि आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। सर एक लोग आपके वर्ल्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको होपलेस कहते हैं सर, कि आपके पास तो उम्मीद ही नहीं है, तो यहाँ पे ये लेस वर्ड हटा दीजिए और होपफुल हो जाइए सर। अगर आपके पास प्लान ए नहीं है सर, प्लान ए सर उन बच्चों के लिए है जो कि ऑलरेडी प्लानिंग के साथ पढ़ रहे हैं कि सर कैसे करना है क्या करना है। मैं अभी आपके साथ प्लान बी डिस्कस करने जा रहा हूँ, उन बच्चों के लिए जिनके पास कोई प्लान नहीं है और जिन्हें ये लग रहा है कि भैया हमसे ना हो पाएगा, जिन्हें ये लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे। तो सर ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें ये लगता है कि एग्ज़ाम अब कैसे पॉसिबल है अच्छे से क्लियर करना जब हमारे पास नंबर ऑफ डेज ही नहीं बचे। सर देखो, मुझे ज़्यादा दिन नहीं चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, मुझे बस एक चीज़ का प्रॉमिस चाहिए सर, प्रॉमिस चाहिए सर, और वो प्रॉमिस ये है कि आप 100% ऑनेस्टी के साथ अपना लक आजमाएंगे सर। सर लक, आप क्या किस्मत में बिलीव करते हैं? नहीं सर, लक का मतलब है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। आपको लेबर मतलब होता है मेहनत करनी है सर, हार्डवर्क, अंडर मतलब साथ साथ, करेक्ट मतलब सही दिशा में, नॉलेज मतलब ज्ञान के साथ। आपको सही चीज़ पे हथौड़ा मारना है सर, कहते नहीं है लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, आप पास हो जाओगे सर। चलिए सर, मैं आपकी कुछ काम की बातें करता हूँ। सबसे पहले तो मैं रीज़न की बात करूँगा सर कि आप क्यों फेल हो जाते हो। सर देखो, पहली चीज़, क्या आप वीक हो? आपसे किसी ने ऐसा कहा? क्या आप फेलियर हो? किसी ने आपसे ऐसा कहा? तो भैया इस लाइन को अपनी डिक्शनरी में से डिलीट कर दो। मेरी डिक्शनरी में आप एक ही चीज़ हो सर, वो है चैम्पियन। मेरी डिक्शनरी में आप एक ही चीज़ हो सर, वो है चैम्पियन। और मुझे एक ही चीज़ पता होती है सर, एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आई एम द चैम्पियन। मुझे नहीं फर्क पड़ता दुनिया क्या बोल रही है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आप अपने लिए क्या सोच रहे हो। आप जो अपने बारे में सोच रहे हो वैसे ही आप बन जाते हो सर। यू आर चैम्पियन एंड यू आर बॉर्न टू बी द चैम्पियन। सर आपका जन्म ही इस सृष्टि में जीतने के लिए हुआ है सर। जो भी लोग कह रहे हैं कि आप वीक हो, तेरे को ये नहीं आता, तू इस फैमिली से है, तूने अच्छे टीचर की क्लास नहीं ली, तेरे पास बुक्स नहीं है, तेरे पास हेल्थ नहीं है, तेरे पास फाइनेंशियली कंडीशन नहीं है, सर मुझे एक ही चीज़ पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे बस अपने बिल गेट सर की एक ही बात अच्छी लगती है कि आपका जन्म गरीब फैमिली में हुआ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे ही मर गए ना सर तो ये आपकी गलती है। तो मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ, आई एम द चैम्पियन एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। नेगेटिव चीज़ें साइड कर दी सर। सर आपके फेल होने की एक वजह होती है सर 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। ये हो सकता है सर कि आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो सर अभी तो समय है नहीं कि आप क्लास व्लास लो, और मैं भी नहीं कहूँगा कि आप मेरी या किसी भी टीचर की क्लास लो, अभी आप कोई क्लास पे नहीं जाने वाले, ये ऑप्शन मैं बाद में डिस्कस करूँगा, अभी नहीं। ठीक, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है सर तो थोड़ा सा डाउट है, अगर 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सर आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी बात सर आपके साथ होती है नॉलेज की, जो कि नेसेसरी है सर फॉर एग्जाम पर्पस। सर एग्जाम के पर्पस से क्या नॉलेज चाहिए आपको यही नहीं पता होता सर। आपके टीचर इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि वो सर 800 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट करवा देते हैं सर, लेकिन पर सब्जेक्ट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। और अगर पर सब्जेक्ट आप 500 क्वेश्चन करने जाओगे तो सर पॉसिबल नहीं है एग्जाम में पास होना। शुरू में जिनके पास 9 मंथ होते हैं सर, 9 मंथ जो होते हैं वो इसे कर रहे हैं सर, तो बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है, वो इसे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 9 मंथ उनके लिए जो 500 क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे पास, मैं सिर्फ बात करूंगा सर 20 दिन की, मेरी एक लाइन है सर और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि 18 दिन में तो महाभारत खत्म हो सकता था सर, और हुआ है। 18 दिन का महाभारत था सर, भगवान कृष्ण की हेल्प से वो खत्म हुआ था। आपके पास तो अभी भी टाइम है सर, और ये तो बस एक सीए एग्जाम है। क्या आप कर नहीं सकते अपने माँ बाप के लिए? क्या आप कर नहीं सकते उस माँ के लिए जिसका आपने दूध पिया है? क्या आप कर नहीं सकते अपनी फैमिली के लिए जो गर्मी में आज भी पसीना बहा रहे कि हमारा बच्चा आगे कुछ बन जाए? आपको करना पड़ेगा सर, यू हैव टू विन दिस अटेम्प्ट। तो सर अभी कैसे करना है मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। लेट्स सपोज, मान लीजिए सर आप ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं
और आपके एग्जाम जो है लास्ट ऑफ मई, मान लीजिए 25 मई से है, ठीक है, और अभी मान लीजिए अराउंड 25 अप्रैल है, मान लिया एक अप्रोक्सीमेट डेट ले ली, तो अभी कितने दिन नियरेस्ट इनके बीच है? सर अराउंड 30 डेज। सर अगर आप अभी 5 डेज भी एक सब्जेक्ट पे देते हैं, ठीक है, तो वो करके आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सर ग्रुप वन में अगर हम ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो सर अकाउंट की मजदूर लिस्ट मैं कल देने वाला हूँ, टैक्स की मजदूर लिस्ट उसके नेक्स्ट डे देने वाला हूँ। सर लॉ थ्योरी सब्जेक्ट है, आप पढ़ सकते हो सर। सर 3 दिन के अंदर लॉ हो सकता है सर। उसके बाद अकाउंट टैक्स हो गया, लॉ हो गया, उसके बाद आपका कॉस्ट बचा और FM बचा। तो सर मैं अगर प्लानिंग दूँ तो अकाउंट की मजदूर लिस्ट जो कि मैं कल देने वाला हूँ, आप आराम से उसे 4 दिन के अंदर सर फिनिश कर सकते हो। फोर डेज कह लो आप, ठीक है, 4 डेज के अंदर हो जाएगा। सर टैक्स अराउंड 3 डेज आपको DT के लिए चाहिए, 2 डेज मान लीजिए सर आपको IDT के लिए चाहिए। पॉसिबल है सर, पॉसिबल है कि ये हो जाएगा, ठीक है सर। मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर जो संभावनाएं देखते हैं, जो सपने देखते हैं। जो सपने नहीं देखते सर वो वीडियो ना देखे तो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे उनकी बात करनी है सर जिन्हें पास होना है, और जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। सर 3 डे में आप लॉ कर सकते हो सर। और सर कॉस्ट और FM जो है ये अराउंड आपको 7 to 8 डेज चाहिए सर। अगर आप अभी से भी 12 से 15 घंटे पढ़ते हैं सर तो मैं डेफिनेटली 100% श्योर हूँ कि अभी भी आप अपना ग्रुप वन का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सर अगर मैं बात करूँ न्यू सिलेबस की तो उसमें से FM हटा दो सर, आपके पास और ज़्यादा टाइम है, आप अभी भी पढ़ सकते हो। अभी आपको पढ़ना कैसे है कि मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो पर सब्जेक्ट पर डे पढ़ते हैं, पर डे 1 सब्जेक्ट कुछ है सर, और अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं भी यही चूज़ करता हूँ सर। दूसरा तरीका ये है कि हाफ डे हाफ हाफ करके पढ़ते सर, एक थियोरी और एक प्रैक्टिकल। तो सर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बच्चे पूछते हैं कौन सा बेस्ट है, भाई मैं कौन सा बेस्ट है नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूँ कि भैया जिसमें आउटपुट हाई आए। आपका आउटपुट हाई आना चाहिए सर, बस बात ख़त्म। अगर आप 5 डेज में पढ़ के एक सिंगल सब्जेक्ट ख़त्म कर देते हो तो बहुत अच्छी बात, अगर आप 2 डेज में 2 सब्जेक्ट फिनिश कर देते हो तो और अच्छी बात। आपको आउटपुट निकालने से मतलब है सर, बस ये आपको मैक्सिमम कहने वाला हूँ सर मैं। ओके सर लॉ के लिए अगर मैं खास बात बताऊँ तो जो न्यू सिलेबस हैं सर, न्यू सिलेबस अगर कहें लास्ट में क्या पढ़ें तो सर मीटिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ऑडिट का टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सर प्रॉस्पेक्टस का टॉपिक्स, MOA और AOA का टॉपिक, ये कुछ टॉपिक है सर जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट भी है सर मीटिंग वाले टॉपिक में, ठीक है, तो ये करके चले जाना। प्लस आपका अदर लॉ, अगर आप इतना भी कर लेते हैं सर तो आप पास हो जाएंगे सर, ये न्यू सिलेबस के लिए, न्यू सिलेबस। और सर ओल्ड सिलेबस के लिए मीटिंग कर लिया आपने, आपने मीटिंग कर लिया, MOA कर लिया सर, प्रॉस्पेक्टस कर लिया, ठीक है, बाकी आपका एथिक एंड कॉम हो गया, ठीक है, आपका अदर लॉ हो गया सर, बस आपकी 60+ इसी में आ जाते हैं। सर मुझे बात नहीं करनी है अभी 100 में से 100 की, मुझे बात करनी है कि भैया मुझे पास करवा दो, बस पास करवा दो सर, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ये कहते हैं कि हमें पास होना है। सर ये तो ग्रुप वन की बात थी सर, ग्रुप टू में कैसे करें ये बता दो। सर अकाउंट में आपने बताया नहीं, बताया ना, मजदूर लिस्ट कर लेना सर, एक प्लेलिस्ट है सर मेरी यूट्यूब पे, चेक कर लेना, उस प्लेलिस्ट में सारे मजदूर लिस्ट मैंने ऐड कर रखी है, तो वो करके चले जाना। लेटेस्ट कॉस्ट की मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, FM की मैं डाल चुका हूँ, एडवांस अकाउंट की मैं डाल चुका हूँ, कल मैं अकाउंट की डालने वाला हूँ, परसों मैं टैक्स की डालने वाला हूँ, बाकी थ्योरी जो सब्जेक्ट है उसमें मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है, ठीक है सर। ओके सर अकाउंट में अब देखो सर, बात करें एडवांस अकाउंट की तो एडवांस अकाउंट में मजदूर लिस्ट कर लेना सर, ऑलरेडी कल ही मजदूर लिस्ट मैं डाल चुका हूँ, ठीक है सर। ऑडिट में देखो मैं कुछ टॉपिक जो लास्ट के टॉपिक है जैसे कंपनी लॉ, ठीक है सर, आपके ऑडिट के जो अदर ऑडिट के टॉपिक है वो लास्ट में सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। और सर ऐसे ऐसे सर कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, किसी भी टीचर के कोई समरी नोट्स वगैरह आपको मिल जाएं तो वो कैरी कर लेना, वो रीड आउट करो सर। अभी लास्ट टाइम में ये बहुत बेनिफिशियल होता है सर, लास्ट टाइम में आपके जो सेल्फ बनाए हुए नोट्स हैं ना सर वो बहुत बेनिफिशियल है सर। जो ओल्ड सिलेबस है उनके लिए मेरी 60+ अराउंड एक वीडियो की प्लेलिस्ट है सर, अब वहाँ पे जाके चेक कर लेना सर, वहाँ से आप कर सकते हो अगर आपको डीप पढ़ना है।
आप रोज अगर 2 वीडियोस भी देखते हो तो सर 30 डेज में 60 वीडियो हो जाती है, आराम से हो जाएगा सर, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा सर, हम ना न्यू सिलेबस में, हमारा FM भी है, FM के लिए मजदूर लिस्ट करो यार। इको सर कैसे करें? इको तो सर बहुत ईजी है, 3 to 4 डेज में पूरा इको का वीडियो का सेट तैयार हो सकता है सर। मैं भी उसी पे काम कर रहा हूँ, इस मंथ के एंड में हो जाएगा मेरा रेडी, जो मैं अपने बच्चों को देने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हो तो रोज 5 पेज भी अगर आप डेली पढ़ते हो सर सेल्फ स्टडी में, तो भी आप पास हो सकते हो सर। सर एक ही चीज़ है, संभावनाएं देखिए, जब तक आप संभावनाएं नहीं देखेंगे, जब तक आप पॉसिबिलिटी नहीं देखेंगे सर, रिजल्ट नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। अच्छा सर, हम ना ओल्ड सिलेबस के हैं, हमारा ITSM है और न्यू सिलेबस में हमारा EISSM है। सर देखो, जहाँ तक SM की बात है, SM के लिए मैं यही कहूँगा सर, यूट्यूब पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट है सर, जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा होगा वो भी अगर 2 से 3 वीडियो देखेगा तो सर 7 डेज में SM कंप्लीट हो जाएगी। चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, सारी देख सकते हो सर, सिलेबस सारे टॉपिक सारे सेम है, बस वीडियो ऊपर नीचे है। ओल्ड सिलेबस वाले सीरीज में देख ले सकते हैं, और जो न्यू सिलेबस वाले हैं सर वो क्या कर सकते हैं, इसे थोड़े से टॉपिक स्टडी मैट में ऊपर नीचे कर दिए, बाकी सिलेबस सर सेम है। सर IT के लिए क्या करें? सर IT की भी वीडियो की प्लेलिस्ट है, आप कर सकते हैं। EIS के लिए सर हाँ थोड़ा सा अभी है, मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाला सर, और इसका प्रॉमिस भी अभी नहीं कर सकता सर, टाइम थोड़ा सा स्केयरसिटी है मेरे पास। तो आप EIS के लिए क्या करो, EIS के टोटल ओवरऑल 5 आपके चैप्टर हैं, आप क्या कर सकते हो सर, 10 डेज में इसे डिवाइड कर लो EIS को 10 डेज के साथ, और प्लस कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो आप कर सकते हो, सेम वो आप IT के साथ कर सकते हो। वीडियोज़ मेरे यूट्यूब पे हैं, वो कर लो, या तो आप सेल्फ कर रहे हो तो आप वैसे कर लो। 10 डेज में सर 5 चैप्टर को डिवाइड कर दो, और 2 डेज में एक चैप्टर की पूरी सर आपको रीड आउट करना है विथ हेडिंग्स, ठीक है, या किसी टीचर की समरी नोट मिल जाए तो सर वो रिवाइज कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ बच्चे बोलते हैं सर स्टडी मैट पूरा पढ़ना जरूरी है, सर पूरा पढ़ते हैं कैसे हैं वही तो आपको नहीं पता, आपको हेडिंग पता होनी चाहिए, उसका कंटेंट पता होना चाहिए, उसके कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, ऐसे पढ़ते हैं सर इस सब्जेक्ट को। अच्छा ठीक है सर, तो सर मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं, सबके ऊपर बोल दिया मैंने? सर देखो फाइनली अभी हमें करना क्या है, मैं वो गाइड कर रहा हूँ आपको। आप अगर ग्रुप 1 में हैं तो आपके 4 सब्जेक्ट न्यू सिलेबस, 5 सब्जेक्ट ओल्ड सिलेबस, ओल्ड में सर कॉस्ट FM एक साथ है इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा इसमें कैसे करना है सर? सर मान लीजिए जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं, मान लीजिए अभी भी आपके पास 20 to 25 डेज है, ठीक है, मान लिया आप बीमार थे, कोई दिक्कत थी, वीडियो आपने लेट देखा, मैं एक ही चीज़ कहूँगा सर, पॉसिबल है, रोके तुझको आंधिया या जमी या आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। सर लक्ष्य को पाना है सर, ये किस लिए करने वाले हो? तो सर मैं, मेरे लिए आपके मम्मी पापा से बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं है सर। गर्मी हो रही है सर, फिर भी देखना आपको टाइम से रोटी सब्जी, आपका खाना मिलेगा, आपके कपड़े धुले धुलाए मिलेंगे, वो एक भी दिन काम करना नहीं छोड़ते सर, लेकिन आपको बोल दिया जाए तो आपको मोटिवेशन चाहिए होता है पढ़ने के लिए। आपके पापा कितनी गालियाँ, कितनी भीड़ में धक्के खाते हुए आते, कितना ट्रैफिक झेलते हुए आते, बेशक उनका BP बढ़ा हो, 50 तरीके की बीमारियाँ हो, वो कर रहे हैं सर। सर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा कुछ बच्चों का, 2 बच्चों का स्पेशली दूंगा। एक बच्चे की अभी मॉम की डेथ हो गई है सर, और वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसकी माँ चाहती थी, अभी रिसेंटली सर 10 to 20 डेज हुए हैं सर, और उसकी माँ चाहती है कि वो CA पास करे, इसलिए वो पढ़ रहा है, और वो अभी भी पढ़ रहा है सर, उसको डायरेक्ट टैक्स और एडवांस अकाउंट में मेरे साथ जो है वो कर रहा है। मैं जानता हूँ सर ऐसे बच्चे को। अभी एक बच्ची है सर, नाम नहीं लूँगा उसका, ठीक है, उसके पापा की अभी रिसेंटली उसके पापा हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको हार्ट अटैक आया हुआ था सर, वो बेचारी पापा की 24 आवर्स उनकी सर्विस में रहती है, उनके साथ रहती है, और जब भी पापा सोते हैं या डॉक्टर कहते हैं बेटा थोड़ी देर बाहर रहो, वो बच्ची मतलब हमारा CA ड्रीमर्स दी अवेंजर का एक ऐप है उस पर वो पढ़ती है, अभी भी डाउट आते हैं। अभी भी उसने कहा कि सर FM में कैपिटल बस्टिंग स्टार्ट करना है, वीडियो नंबर 1 में दिक्कत आ रही है सर, प्ले करवा दो, मैंने अभी प्ले करवाया। सर जिनको पढ़ना है ना, जिनको करना है ना, उनके पास लाखों वजह है कि वो कर लेंगे, और जिन्हें नहीं करना है ना सर, उन्हें गधे की तरह कितना भी मोटिवेशन दे दो वो नहीं करेंगे सर, वो आएंगे वीडियो भी डिसलाइक मार के चले जाएंगे, वो कह देंगे भाई तेरे से हुआ है जो तुम मेरे को सिखा रहे हैं, वो ये बोलेंगे, और मैं उनको बोलूँगा ना कि भैया अभी अभी
एक रैंक 10 आई है दीदी की, गाइडेंस से यही, मेहनत तो सारी उसी की थी, आपको भी मैं गाइडेंस ही दे रहा हूँ, मेहनत सारी आप ही की होगी। सर होता है, अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव करो ना तो पत्थर में ही भगवान निकल जाते हैं, आपके बिलीव पे है सर। अभी एक भाई से बात हुई मेरी, उसके भी पापा के मतलब की सर्जरी हुई थी, घर बन रहा था, एक्सीडेंट हो गया, उस बंदे ने भी अभी लास्ट 10 डेज में ITSM फिनिश किया है सर। सर आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, CA स्टूडेंट वीक नहीं होते सर, कुछ लोग बोलते हैं CA स्टूडेंट पागल होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं सर, बस उन्हें गाइडेंस की और प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है सर। ठीक है, आपके पास अद्भुत ताकत है सर, अद्भुत, काहे चुप्पी साध रहू बलवाना, यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल, आपको बस उस पे वर्क करना है, बस एक ही चीज करनी है सर, जो जब भी आपसे कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप हमेशा इसी लाइन को बोलो सर, आई एम द चैंपियन एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। सर मैं यही कहूंगा, आपके पास कमी नहीं है सर, आप बहुत कुछ हो अपने आप में, आप शक्तिमान, अवेंजर, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, जो भी मैन कह रहे हो आप सब कुछ हो यार। ठीक है, अब इसे कोई कॉमेडी मत ले जाना, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है यार। एक लाइन नहीं बोलते हैं फिल्मों के अंदर, तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो बाहर आ, मैं भी वही बोलूंगा यार, आपने भी पिया है, इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं, यू आर सुपर हीरो यार, आपके पास बहुत पावर है। कोई बच्चा बोलता है सर हमारी इंग्लिश वीक है, अरे इंग्लिश वीक है ठीक है, चार हेडिंग रट के जाओ, चार कीवर्ड रट के जाओ, क्या दिक्कत है, अपने वर्ड में इजमर लगा देना, कुछ तो करो, आपके पास मोटिवेशन चाहिए आपको कि यार कोई तो मतलब ऐसा बोल दे कि भाई तू कर सकता है, तू कर लेगा। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, लो भाई पूरी हनुमान चालीसा रख दूँ क्या आपके सामने, आगे कर मेरे भाई, करना पड़ेगा। वहां पापा आपके 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए के लिए कितनी गालियां खाते, कितना काम करते, बाल उनके झड़ गए, पेट खराब रहता है, तबियत खराब है, डायबिटीज है, कितनी बीमारियां हैं यार, बट फिर भी जा रहे हैं काम करने, बस इसलिए कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कुछ कर लेगा यार, और बच्चे को अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, अपने व्हाट्सएप, अपने टेलीग्राम, अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब से फुर्सत नहीं है यार, कहां से आएगा रिजल्ट बताओ, रिजल्ट क्या है सर? सर रिजल्ट एक, कुछ लोग कहते हैं रिजल्ट एक अवार्ड है, मैं कभी नहीं कहता अवार्ड है सर, रिजल्ट एक आउटपुट है जो कि इनपुट लेता है आपकी डेली प्रैक्टिस का। बस सर जितना अभ्यास आप आज कर रहे हो, जितना पेशेंस आप आज रख रहे हो, जितनी आप कल्टीवेशन कर रहे हो अपने हार्डवर्क की, वही आपका रिजल्ट लोगों को दिखाई देता है, और लोग बोलता है क्या बोलते हैं, इसकी किस्मत साथ दे गई थी भाई, लक था इसके साथ इसलिए CA हो गया, वरना सबके बस की बात नहीं है भाई, लक नहीं होता CA में। कुछ बोलते हैं भाई हम तो पूरे दिन पढ़ते हैं पास नहीं, वो एक दिन में पढ़ के पास हो गया, यार वो तुम्हें सुनाता नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग तो बस चले कि मतलब अगर चार क्वेश्चन हो गए ना अगर अकाउंट के, तो मोहल्ले में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, सब पे फोटो आ जाएंगे आपकी कि हमने किया है। आपको बड़ा तकलीफ रहती है कि लड़की छोड़ के चली गई, लात मार के चली गई आपको। एक भाई साहब है हमारे पास, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उन्हें बड़ा सदमा है कि यार लड़की छोड़ के चली गई सर, मेरा एग्जाम पास नहीं हुआ, तो तुम्हें उस बात का बड़ा गम है, लेकिन तुम्हारे पिताजी 6 महीने साल भर किसान हैं, काम कर रहे हैं गांव में, और फीस भेज रहे हैं कि आप पढ़ लो, तो वो आपको सहूर नहीं है सर? क्या बोलूं यार मैं, आई हैव नो वर्ड्स सर, सॉरी नो वर्ड्स, मैं नहीं बोल सकता सर। अब आपको करना है तो जिस जिसको अपने माँ बाप से प्यार है सर, जो जो बोलते हैं ना आई लव माई मॉम, ठीक है, आई लव माई डैड, माई फादर, तो भैया एक ही बात कहूंगा, डायलॉग बाजी बंद, आज से फालतू चैनल, फालतू गाने, फालतू मूवी, फालतू दोस्त सब बंद, ब्लॉक यार सब कुछ ब्लॉक। मेरे पास पता है आपको पूरे दिन में 500 प्लस कॉल आते हैं, और मैं 5 लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, पूरे दिन में 1500 मैसेज आते हैं, लेकिन मेरे पास कम से कम 100 लोगों को रिप्लाई कर पाता हूँ सर। मैं ये नहीं दिखा रहा मैं कितना बिजी हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ मैं कितना डेडिकेटेड हूँ, मेरे पास भी बहुत प्रॉब्लम आती है सर पूरे दिन में, लेकिन आपकी तरह काम छोड़ के अगर बैठ जाऊंगा ना तो फिर क्या करूंगा सर? आपके पास कॉल आया यार, दोस्त को प्रॉब्लम हो रही है अकाउंट में, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा था, 2 घंटे निकल गए, अरे साइड रखो अभी दोस्ती यार,
ये दोस्त अगर सच में दोस्त होता ना तो ये 9 महीने पहले डाउट पूछ रहा होता। आज जब आज आपके पास मुश्किल से 30 दिन बचे हैं तो आप दोस्तों की प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हो। सेल्फिश बनने का समय सर अभी। सारी दोस्ती यारी एक तरफ, ठीक है, और मम्मी पापा के लिए ये अटेम्प्ट एक तरफ। एक ही बात कहूंगा सर, पास होना है। अगर आपका आंसर है हाँ सर पास होना है, तो लग जाओ यार अभी से, दैट्स इट, लग जाओ अभी से। कोई फालतू तो बातें नहीं इधर उधर की, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, बस एक ही चीज सर, मेरे माँ बाप और ये अटेम्प्ट उनके नाम। अलविदा चाहूंगा यार। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो आप में से हैं कुछ, कमेंट लिखते हैं। सर साउंड अच्छा नहीं आ रहा, वॉइस क्लैरिटी नहीं है, आई फील इरिटेटिंग। इनके लिए तो लता मंगेशकर उनके गाना गाऊं मैं। सर वीडियो में शकल दिखाओ, फेरन लोरी लगा के बैठूं इनके लिए मैं। इनको इससे मतलब नहीं है कि कंटेंट में क्या भाई बात बोल गया कि हाँ मैं पढ़ लूं, इन्हें इससे मतलब है कि जलवा दिखाए सलमान खान की तरह। यार फोकस कर लो यार स्टडी पे, हाथ जोड़ के प्रणाम है सर आप सभी को। ये अटेम्प्ट अगर आप पास नहीं करते ना सर, तो सोच लेना अपने माँ बाप से और इस भगवान को सबसे बड़ा धोखा दिया आपने। मुझे ये पता है कि भैया एक ही चीज़ सर समझ में आती है, और अपने माइंड सेट में भी ये रखना। 18 दिन में महाभारत ख़त्म हुई थी सर, आपको मैं 18 दिन दे रहा हूँ सर अपने माँ बाप के लिए सर। CA इसी अटेम्प्ट में पास होना है सर, दैट्स इट। इसके ऊपर नो इफ नो बट। अगर खाना खाते हो, पानी पीते हो, तो मुझे पढ़ते हुए नजर आने चाहिए। मैं हर जगह नहीं हूं सर, लेकिन भगवान हर जगह है। आपका कर्म शुद्ध है ना सर, इंटेंशन अच्छी है ना, तो भगवान हमेशा साथ देंगे आपका। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।